क्या आप जानते हो कि हमारा जाइंट ज़ॉम्बी एक टाइम पर स्टीव हुआ करता था और ऐसा क्या हो गया कि हमारी विच को ये इग्लू बनाना पड़ा? वेल, आज की वीडियो में ऐसी ही बहुत सारी बातों से पर्दा उठने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स बिगिन। हमने काफी बार मूवीज में देखा है कि करंट लगने से हम में सुपर पावर्स आ जाती हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट में भी होता है। शायद अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक सेकंड मैं समझा देता हूँ। भाई वैसे तो लाइटनिंग बोल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर किसी विलेज के ऊपर गिर जाए तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है, और तो और भाई पूरे जंगल को भी तहस नहस कर सकती है सिंगल लाइटनिंग बोल्ट। लेकिन ट्विस्ट वाली बात ये है कि ये माइनक्राफ्ट की लाइटनिंग बोल्ट भी सुपर पावर्स दे देती है। जैसे कि नॉर्मल विलेजर के ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट गिरती ये तो वो विच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और विच कितनी ज्यादा पावरफुल है ये तो आपको पता ही है। और साथ के साथ अगर किसी पिक के ऊपर कोई लाइटनिंग बोल्ट गिरती है तो वो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये लाइटनिंग बोल्ट से हमको सुपर पावर्स मिल जाती है। और तो और कई लोगों का ये भी मानना है कि एक नॉर्मल स्टीव के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिर जाती है एंड वो उसके बाद एक ऐसा एंटिटी बन जाता है जिसने पूरे माइनक्राफ्ट के ऊपर राज कर रखा है। वो और कोई नहीं, हमारा हीरो ब्राइन है। क्योंकि आप कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे हीरो ब्राइन आता है आसपास भाई बिजलियां कड़कने लग जाती हैं। वेल, ये स्टोरी मुझे तो कन्विंसिंग लगी, आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना। क्या आप माइनक्राफ्ट के अबेंडेंड विलेज की स्टोरी जानते हो? क्योंकि अभी मैं उसी स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये हर किसी को पता है कि विलेजर्स के कितने बड़े दुश्मन हैं। वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए विलेजर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनको रेविजर्स में तब्दील कर देते थे, और यही चीज करने के लिए विलेजर्स मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वो बहुत सारे विलेजर्स को अपना कैदी बनाएंगे और सब पे एक्सपेरिमेंट करके उनको रेविजर्स बना देंगे। और इस चीज की शुरुआत उन्होंने ज़ॉम्बीज के साथ करी, क्योंकि ज़ॉम्बीज का वायरस विलेजर्स को कुछ भी नहीं करता है। तो विलेजर्स बहुत सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करते हैं और एक ऐसे विलेज में छोड़ देते हैं जो एक टाइम पर बहुत ज्यादा खुशहाल हुआ करता था। एंड वो ज़ॉम्बीज इतने सारे थे कि विलेजर्स बचने के लिए अपने घरों में भाग जाते हैं, और यही चीज का मौका देख के विलेजर्स इन मासूम विलेजर्स के गेट तोड़ के उनको अपने साथ ले जाते हैं। और ऐसे करते करते वो बहुत सारे विलेजर्स को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं, और जो विलेज में एक दो विलेजर्स बच जाते हैं वो इन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं, और इसी कारण से ये विलेज खाली हो जाता है और एक दो जो बचते हैं वो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी तरीके से बनता है हमारा अबेंडेंट विलेज, एंड वो पिलेजर्स अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपने आप को और पावरफुल बना देते हैं ना। माइनक्राफ्ट में इन छोटे मॉब से लड़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसा होगा जब हमारे सामने एक विशाल दानव आ जाए? मैं यहाँ पर जायंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये ज़ॉम्बी आया कहाँ से और ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ये बात है माइनक्राफ्ट के एंशियंट टाइम की, जब हमारे एंशियंट बिल्डर्स अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे थे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन एंशियंट बिल्डर्स ने इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाए कैसे? ये तो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। तो इन एंशियंट बिल्डर्स को ये बड़े स्ट्रक्चर बनाने में काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि भाई ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पोशन बनाते हैं जिससे अगर कोई भी उसको पिएगा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई भी इस पोशन को पीने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, भला कोई क्यों अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन तभी हमारा स्टीव आता है एंड वो इन सब की बात मान के इस पोशन को पी लेता है, और कुछ ही सेकंड्स में हमारा स्टीव बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। एंड इसके बाद जायंट स्टीव ने काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे कि एंशियंट बिल्डर्स का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन ये सब स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करते ही विलेज में एक बहुत ज्यादा बड़ी वॉर हो जाती है। तो सारे एंशियंट बिल्डर्स डिसाइड करते हैं कि भाई इस जायंट स्टीव को ये आर्मर्स पहनाकर हम वॉर के अंदर भेजेंगे ताकि वो इजीली वॉर जीत जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, ये जायंट स्टीव हर दुश्मन की बैंड बजा रहा था, लेकिन तभी एक पिलेजर चालाकी से जायंट स्टीव के ऊपर ज़ॉम्बी का वायरस फेंक देता है, एंड कुछ ही सेकंड्स में ये जायंट स्टीव एक जायंट ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और इसके बाद ये जायंट ज़ॉम्बी इन एंशियंट बिल्डर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, एंड ऐसा करके ये पिलेजर वॉर जीत जाते हैं। ये ड्राउन ज़ॉम्बी कितने ज्यादा बुद्धू से हैं, इनसे किसको ही डर लगता होगा। लेकिन इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखने में तो हमारे ज़ॉम्बीज जैसे ही होते हैं, लेकिन भाई ये पानी में रहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर रहते क्यों हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो एक दिन एक विलेज में काफी सारे ज़ॉम्बीज का अटैक होता है, तो प्लेयर बचने के लिए पानी के अंदर चले जाता है, और वो ज़ॉम्बीज उस प्लेयर को देख भी नहीं पाते हैं, जिससे कि वो प्लेयर बड़ा इजीली बच जाता है। और ये सब चीजें होते हुए एक पायरेट देख लेता है, और वो इस प्लान से आया था कि भाई वो हार्ट ऑफ द सी चुरा ले। लेकिन ये करना इतना आसान थोड़ी ना है, एक टाइम पे हार्ट ऑफ द सी की प्रोटेक्शन पोसाइडन करा करता था, यानी सी गॉड।
तो ये पायलट प्लान बनाता है कि पानी के अंदर ओशन मॉन्यूमेंट के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को छोड़ देगा, और ये करने के बाद सारे ज़ॉम्बीज पानी में आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो सारे ज़ॉम्बी ड्राउन ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और बिना देखे सीधा पोसाइडन पर अटैक कर देते हैं। एंड वो पोसाइडन अपनी और हार्ट ऑफ द सी की प्रोटेक्शन तो करता है, लेकिन वो इतने सारे ज़ॉम्बीज थे कि भाई कुछ ही सेकंड्स में वो पोसाइडन अपनी जान गंवा देता है और वो पायलट अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और वो हार्ट ऑफ द सी को चुरा के ले जाता है। कैसा होगा अगर मैं बोलूं ये नेदर में मिलने वाले पिगलिंस एक टाइम पर पिग्स हुआ करते थे, तो इसके पीछे की स्टोरी है क्या ये मैं आपको बताता हूं। तो हमारे एंशियंट बिल्डर्स नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे और इसी क्यूरियोसिटी में वो नेदर पोर्टल को इन्वेंट करते हैं, और भाई इसके अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है कि यहां पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर एक एंशियंट बिल्डर डिसाइड करता है कि वो इस बिल्डिंग में रहेगा, और आज के टाइम में हम उसको बेस्टियन बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम के समय में ये बेस्टियंस बिल्कुल खतरनाक नहीं हुआ करते थे। तो वो एंशियंट बिल्डर्स अपने रहने के लिए काफी सारा खाना स्टोर कर लेता है और तो और अपने साथ काफी सारे पिग्स को रख लेता है, और तो और वो पिग्स को खाने के लिए रैप्ड फंगस या तो नेदर वॉर्ड्स देता था। एंड वो सारे पिग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक ऐसे क्रीचर में तब्दील हो जाते हैं जो अपने दो पैरों पर चल सकता है और बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी जैसा दिखता है। एंड तभी एंशियंट बिल्डर एक चीज नोटिस करता है, जो हमारे नॉर्मल पिग्स होते हैं वो काफी ज्यादा बुद्धू होते हैं, लेकिन जो ये पिगलिंस हैं इनमें काफी ज्यादा दिमाग है। इसका मतलब ये पिग्स के अपग्रेडेड वर्जन है। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर ये एंशियंट बिल्डर सारे पिगलिंस से काम करवाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो सारे इसके मजदूर हों। एंड एक एक करके ये पिगलिंस सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करके इस एंशियंट बिल्डर्स को दे देते हैं, और जब नेदर के अंदर से सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं तो ये एंशियंट बिल्डर्स वापस अपने घर लौट जाता है। एंड आज के टाइम तक ये पिग्स यानी पिगलिंस अपने मालिक का वेट करते रहते हैं। देखा जाए तो हमारा स्नो बायोम काफी ज्यादा सुंदर है, आसपास का नेचर भी, और तो और इन विलेजर्स के घर भी काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। एंड इसी बायोम के अंदर मिलने वाला इग्लू दिखने में तो बड़ा क्यूट है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे टाइम पर जब विलेजर्स के साथ साथ हमारी विच भी रहा करती थी। वैसे तो विच ज्यादातर अपने हट में रहती है, लेकिन एक टाइम पर ऐसा भी हुआ करता था जब ये विच इन विलेजर्स के साथ रहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विच बाकी विलेजर्स से काफी ज्यादा अलग थी दिखने में भी, और साथ के साथ इसकी पावर्स भी विलेजर्स के मुकाबले काफी ज्यादा थी। और एक दिन सारे विलेजर्स मिलकर डिसाइड करने के बाद इस विच को अपने विलेज में से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से विच काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब विच के पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि रात के अंधेरे में इस विच को भी इस केव के अंदर काफी ज्यादा डर लगा करता था। एंड तभी विच को एक ज़ॉम्बी दिखता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी विच को कुछ भी नहीं कहता है, जिससे कि विच का सारा डर निकल जाता है। और फिर वो डिसाइड करती है इन विलेजर्स ने इस विच को अपने घर से निकाला था वो अब उन सभी से रिवेंज लेने वाली है। तो विच अपना एक्सपेरिमेंट करके इस ज़ॉम्बी में से उसका वायरस निकाल लेती है, और वो विच फिर उस विलेज में चले जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। एंड जो उसने वायरस निकाला था वो एक विलेजर के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि कुछ देर बाद वो विलेजर एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड धीरे धीरे करके वो विलेजर ज़ॉम्बी आसपास के विलेजर्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि पूरे विलेज में बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। एंड तभी विच को रियलाइज हो जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो पहले विलेजर्स उसके फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इन सब हालात को ठीक करने के लिए विच पास वाले ही स्नो बायोम में जाकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम आज के टाइम में इग्लू बुलाते हैं, और वहां पर वो एक ऐसा बंकर बनाती है जिसके अंदर वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वापस से नॉर्मल विलेजर्स बना देती थी। एंड ये एक्सपेरिमेंट विच का सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिससे कि एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी वापस से विलेजर बन जाता है। लेकिन विच को कुछ ही देर बाद रियलाइज हो जाता है जो उसने गलती करी है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी है, क्योंकि कुछ ही समय में वो ज़ॉम्बी वायरस पूरे विलेज में क्या पूरे बायोम में फैल जाता है, और एक एक करके हर बायोम के ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंड ये सब देखने के बाद विच अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई, तभी वो अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए दूर एक सुनसान हट में रहने लग जाती। इस पीसफुल से माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में भाई इधर उधर से हमले होते ही रहते हैं, इसलिए हमारे गेम में बॉडीगार्ड्स भी हैं। जैसे आयरन गोलम हमारे विलेज की प्रोटेक्शन करता है, ये पिलेजर्स इस पिलेजर आउटपोस्ट की रक्षा करते हैं, और तो और जो हमारे ब्लेज हैं और ये विदर स्केलेटन है ये हमारी फोर्ट्रेस की रक्षा करते हैं। लेकिन इसी तरीके से एल्डर गार्डियन भी ओशन मॉन्यूमेंट की रक्षा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बाकी मॉब्स की तरह ये लिविंग बींग है या कोई मशीन है।
सही सुना आपने, क्योंकि भाई अगर आप इसको पानी से बाहर निकालोगे तो भी ये जिंदा रहता है, और इसी तरीके से अगर हम किसी मछली को बाहर निकालेंगे तो वो तुरंत मर जाती है। बट इस एल्डर गार्डियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माइनक्राफ्ट की शेयर्ड फोटो के हिसाब से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो भाई ये पूरी मशीन की तरह लग रही है। और जब भी आपके ऊपर एल्डर गार्डियन अटैक करता है तो वो 3 से 4 सेकंड लेता है, जैसे कि कोई मशीन रिचार्ज हो रही हो। और दिखने में भी एल्डर गार्डियन एक स्क्वायर रोबोट जैसा दिखता है जो ये ओशन मॉन्यूमेंट के गोल्ड को प्रोटेक्ट रखता है। वेल, आपको क्या लगता है, ये सच में कोई रोबोट है या कोई लिविंग बींग है? नीचे कमेंट में बताना।